हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ट में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सीबीएसई सीटेट 2019 में शेड्यूल एग्ज़ाम डेट एग्ज़ाम टाइम टेबल रिलीज जो कि हो गया है, उसका कुछ रिक्वायर्ड डेट्स दिया है, इंपॉर्टेंट डेट डेट जो कि दिया गया है इसको मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूंगा। जो लोग यहाँ पे एग्ज़ाम देने वाला है सीटेट 2019, उन लोगों के लिए यहाँ पे एक बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों, इसको मैं यहाँ पे जाना सत्ता जो कि न्यूज़पेपर हिंदू न्यूज़पेपर है, इसको इसके साथ साथ ये यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसके थ्रू यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जो लोग यहाँ पे एग्ज़ाम देने वाला उन लोगों के लिए ये एक फ़ायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि सीबीएसई सीटेट 2019 के शेड्यूल एग्ज़ाम डेट जो कि होने वाला है, एग्ज़ाम सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी डेट सीटेट द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर जुलाई सेशन टू एग्जामिनेशन हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम 5 February 2019। कैंडिडेट कैन रजिस्टर ऑनलाइन एट ctet.nic.in बिफोर March 2019। द लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी इन March 8, 2019। दिस एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन July 7, 2019। इफ there has been any mistake applying to you, then you have time from 14 March to 20 March 2019 improve it. After March 20, you will not allow to make any improvement or modification to the application. Application set candidate will be status of their application by March 25th और फाइनल स्टेटस डिसीज। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बोला गया है कि 5 March 2019 में आपको यहाँ पे लास्ट डेट दिया गया है जिसके पहले आपको एप्लीकेशन कर सकते। इसके अलावा अगर आपको एप्लीकेशन करने के बाद कोई भी आपको अगर मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग 20 मार्च तक आप वो करेक्शन कर सकते हैं। इसके साथ साथ और क्या क्या डेट्स दिया गया है उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है सीट जुलाई 2019 विल बी अनाउंस सिक्स वीक आफ्टर द एग्जामिनेशन इज कंडक्ट। द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन जुलाई 7, 2019। और इसका टाइम टेबल जो कि दिया गया है उसको भी मैं आप लोगों के साथ आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों, फर्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि एप्लीकेशन करने के डेट जो है 5 February 2018 ट्यूसडे से शुरू हो गया है एंड लास्ट डेट है 5 March 2019। इसके साथ साथ लास्ट डेट के पेमेंट जो कि कर सकते हैं आप 8 March 2019 बिफोर 3:30 PM तक। इसके साथ साथ दोस्तों, करेक्शन के लिए जो डेट दिया गया है उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, 14 March to 20 March 2019 तक आपका जो भी मिस्टेक हुआ है आप वहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। इसके साथ साथ 25 मार्च 2019 मंडे जो कि फाइनल एप्लीकेशन और आपको यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है वो हो जाएगा। उसके साथ साथ आपका जो एडमिट है वो आपको जुलाई के पहले आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है कि रिजल्ट ऑन बिफोर विद इन 6 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे आप जब डाउनलोड करेंगे आपका एडमिट कार्ड, आपको यहाँ पे आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट सच पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन एटसेट्रा आपको यहाँ पे ले जाना पड़ेगा आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे और एक टाइम टेबल जो कि दिया गया है जिसको आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे अब दिया गया है कि एंट्री इन द एग्जामिनेशन हॉल 8 AM और फॉर पेपर वन और पेपर टू के लिए 12:30 PM में आपको एंट्री होने वाला है। उसके साथ एडमिट कार्ड के लिए यहाँ पे आपको 9 to 9:15 AM एंड पेपर वन एंड 1:30 to 1:40 PM तक आप पेपर टू के लिए आपका एडमिट कार्ड चेकिंग होने होगा। उसके बाद आपका टेस्ट बुकलेट जो कि 9:15 AM में आएगा पेपर वन के लिए एंड 1:45 के लिए पेपर टू के लिए यहाँ पे चलाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, यही था कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जिसको आप ध्यान रखें जब भी आप एग्ज़ाम देने वाला है उससे पहले आपको ये सब जो डेट दिया गया आपको एक बार चेक कर लेना होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को पसंद करता ख़त्म करता। अगर आप लोगों को पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।